मैं यही कहूंगी, भगवान मान जी सरकार सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, सद प्रेरणा दे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कर दिखाया है, भारत का हर व्यक्ति आज उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रहा है। भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम सभी भारतीयों के लिए, सभी सनातनियों के लिए, विश्व में ये बहुत गौरव की बात है। मुझे अत्यंत खुशी है और ये अद्भुत दिन है हम सभी के लिए। बहुत लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, मैम कैसा देखती हैं? मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो राम जी के भक्ति में हूँ, और मैं यही कहूंगी श्री राम राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्ल्यम राम नाम वरान। सर हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? हम अभी हनुमानगढ़ी में हैं और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और मैं कहूंगा कि ये देश की और हमारी हम सब के लिए एक ये सौभाग्य का क्षण है। पूरे देश को इस पे गौरवान्वित खुश होना चाहिए। 498 वर्ष के बाद में मंदिर फिर से स्थापित किया जा रहा है, और हम लोग जिस तरह से दिवाली मनाते हैं हर वर्ष, मेरे ख्याल से इस तारीख को भी दिवाली के रूप में मनाना चाहिए, और ये ऐतिहासिक तारीख है, और मैं बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा देश बहुत खुश होगा। अभी भी नहीं आ रहे सर, और कह रहे हैं कि नहीं है बीजेपी। देखिए हम तो आ गए हैं और हम समय से बहुत पहले आ गए हैं, तो जो नहीं आ रहे आप उन्हीं से पूछिए क्यों नहीं आए, उनका उत्तरदायित्व मैं नहीं दे सकता।